जीरो प्राइमरी और जीरो एक्सटेंडेड है। अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, प्राइमरी, प्राइमरी पार्टीशन बना रहा हूँ। ई प्रेस करा, अब ये बाय डिफॉल्ट वन ले रहा है क्योंकि कोई भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वन ही लेगा। तो पहला पार्टीशन बना रहा है ये, तो पहला के लिए प्रेस एंटर। हाय दोस्तों, वापस से आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके स्टोरेज मैनेजमेंट के ऊपर। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम पार्टीशन को डिलीट कर सकते हो। और जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में दिखाया था पार्टीशन बना के, उसकी जो मैं उसका जो साइज़ था वो गलत आ रहा था, तो आज उसे मैं दिखाऊंगा कैसे तुम बिल्कुल करेक्ट साइज़ ला सकते हो। जो पिछली वीडियो में मेरे से मिस्टेक हो रही थी उसको कैसे ठीक कर सकते हो। जैसा कि तुम सब देख सकते हो कि मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ। स्क्रीन को कर देता हूँ मैं क्लियर। CTRL+L प्रेस करके सही पकड़े हैं। तो अब क्या करना है, अब पहले मैं LSBL के चलाता हूँ कमांड, LSBL के देखते हैं कि क्या क्या अपने पास है। अपने पास यहाँ पे दो पार्टीशन बने हुए हैं। अब तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे, खुद देख लो। जैसे कि तुमको पता है मैंने यहाँ पे गलत वैल्यू आ रही है, मैंने यहाँ पे 66 MB लिया था शायद पिछले वीडियो में, और यहाँ पे पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा शायद 166 या 266 GB लिया था। ऑलराइट, तो पहले पार्टीशन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो तुम्हें इससे डिलीट भी पता लग जाएगा कि कैसे डिलीट कर सकते हैं। कमांड के एफ डिस्क, कमांड सेम है। अब तुम्हें पाथ देना, पहले यहाँ का पाथ क्या है, /dev, उसके बाद xvdf ही ले लेते हैं अभी। ऑलराइट, तो xvdf मैं इस वाले डिस्क के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर है ना पार्टीशन, तो इसके अंदर जाऊंगा। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर चलता हूँ मैं। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो डिलीट अ पार्टीशन। अगर तुम्हें डिलीट करना है पार्टीशन तो डिलीट कर सकते हो, डी दबाओ और एंटर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब इसमें पूछ रहे कौन सा डिलीट करना है, वन या टू, तो डिफॉल्ट टू ले रहा है। अगर मैं प्रेस एंटर कर दूंगा यहाँ पे, पहले मैं एक काम करता हूँ, अब नहीं कर सकता वो मैं काम क्योंकि अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। एक काम करता हूँ, अभी पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये बाय डिफॉल्ट सेकंड पार्टीशन को डिलीट करेगा। डिलीट हो चुका, देखो पार्टीशन सेकंड हैज़ बीन डिलीटेड। अब मैं पी प्रेस करके पार्टीशन टेबल दिखाऊँ, एक ही पार्टीशन बचा है। ऑलराइट, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डी दोबारा से। अब ये बाय डिफॉल्ट, ये देखो अब एक ही पार्टीशन बचा था तो इसने वो भी डिलीट कर दिया। अब पी प्रेस करूँगा, कोई भी पार्टीशन टेबल अब नहीं बची मेरे पास। ऑलराइट, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पार्टीशन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या लेनी है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, अरे कहना क्या चाहते हो, जैसे तुम सबको बताइए जिसने लास्ट वीडियो देखी है, कि जब मैं साइज दे रहा था तो गलत साइज आ रहा था, पार्टीशन का गलत साइज क्रिएट हो रहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो बाद में मैंने जब ट्राई करा तब फिर मैंने ध्यान से देखा कि जब हम पार्टीशन बनाते हैं उसके लिए एन प्रेस करते हैं। अभी तुम्हें हाथ की आती दिखा देता हूँ, तो एन प्रेस करा, यहाँ पे देखो प्राइमरी एक्सटेंडेड, जीरो प्राइमरी और जीरो एक्सटेंडेड है। अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, प्राइमरी, प्राइमरी पार्टीशन बना रहा हूँ। पी प्रेस करा, अब ये बाय डिफॉल्ट वन ले रहा है क्योंकि कोई भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वन ही लेगा। तो पहला पार्टीशन बना रहा है ये, तो पहला के लिए प्रेस एंटर। ऑलराइट, और देखो फर्स्ट सेक्टर ये ले रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लेने देते हैं 204 से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो इसे लेने देते हैं। अब प्रेस एंटर, यहाँ पे देखो लास्ट सेक्टर प्लस सेक्टर और साइज, तुम सेक्टर भी दे सकते हो और साइज भी दे सकते हो। अभी के लिए मैं साइज दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, कि यहाँ पे प्लस है, सेक्टर से पहले भी और साइज से पहले भी प्लस है, तो मेरे को ऐसे करना है प्लस। अब जैसे मैं दूंगा 66K कैपिटल K, तो अब ये क्रिएट होगा 66KB का, लेकिन पहले मैंने पिछली वीडियो में प्लस नहीं लगाया था, तो ये पता नहीं कुछ और ही वैल्यू ले रहा था अपने आप, वो मेरे को भी नहीं पता कि कैसे ले रहा था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो अब इस कमांड को चलाता हूँ और देखता हूँ कि क्या साइज होने वाला है अपना, यही साइज आ गया कुछ और आएगा। तो मैंने चला दिया पार्टीशन वन कंटेंस EXT4 सिग्नेचर, क्रिएटेड अ पार्टीशन, डू यू वांट टू रिमूव सिग्नेचर, यस कर देते हैं अभी के लिए, पता नहीं क्या है सिग्नेचर, दिस सिग्नेचर विल बी रिमूव्ड,
बाय अ राइट कमांड। यस, पार्टीशन क्रिएट हो चुका है, अभी मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करके सेव करके मैं बाहर आ चुका हूँ। अब मैं LSBL के कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम सब कि यहाँ पे पहला जो मेरा पार्टीशन क्रिएट हुआ है ये 66 KB का हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो मैंने दी थी उसी वैल्यू का हो गया। इसका मतलब कोई दिक्कत है नहीं, ऑलराइट। और थोड़ा सा मैं अमाउंट को भी समझा देता हूँ, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ना काफ़ी बंदे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे माउंट को लेके कि माउंट पॉइंट क्या है, डायरेक्टरी पे माउंट पार्टीशन को करा था मैंने तो वो क्या चीज़ है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, चलो फोल्डर छोड़ दिया, बना हुआ है ना पाइथन गिट के नाम से, इसकी प्रॉपर्टीज खोली मैंने, यहाँ पे क्या आ रहा है सी पाथ, देखो ध्यान से, सी बैकवर्ड स्लैश और ये यूज़र वासुकी मनीष में, तो मेन अपने को ये देखना कि सी के अंदर है, सी के अंदर है ये, ऑलराइट। तो एक बार दिस पीसी खोल के तुम्हें दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखो सी है, सी के अंदर है 20.2 GB। तो अगर मैं उस फाइल में से कुछ डिलीट करूँगा या फिर उसमें कुछ ऐड करूँगा तो स्पेस यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि वो तो इसमें है ना, क्योंकि वो वाला ये भी तो एक तरह से पार्टीशन ही हुआ, लोकल डिस्क मैंने बताया था कि ये पार्टीशन है, तो वो जो फोल्डर है उसके अंदर मैं कोई मूवी डाल दूंगा 2 GB की, तो यहाँ पे 2 GB, यहाँ पे 18 GB हो जाएगा, ऑलराइट। तो मतलब स्पेस कम हो रहा है जो कि मैंने उस फोल्डर के अंदर डाल दिया, लेकिन अटैच तो ये है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ऐसी होता है माउंट। अब मैं इस वाले वीडियो में फिर से दिखा रहा हूँ एक बार माउंट करना। एक काम करते हैं, डायरेक्टरी बना देता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे है क्या क्या अपने पास, लिनक्स प्रोजेक्ट लक्की, ऑलराइट, काफ़ी सारे ये साहित्य काफ़ी सारे यहाँ पे बने पड़े हैं अपने फोल्डर। एक काम करते हैं, सबको उड़ा देता हूँ अभी के लिए, इसको भी उड़ा दिया और साहित्य नाम को फोल्डर भी उड़ा ही देते हैं अभी के लिए। लिनक्स प्रोजेक्ट में तो स्पेशल परमिशन लगी है, तुम सबको पता ही है। कैनॉट क्रिएट, अरे नहीं सॉरी, मैंने गलती से MKDIR कमांड चला दी, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक सौ चलानी थी ये वाली, अब इसके आगे मेरे को वो लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी के अंदर है ना। डिलीट, अब यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड डायरेक्टरी का नाम। तो मैं दोबारा से तुम्हें माउंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे काम हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं ls फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे है क्या। ओके, तो अब मैं किस नाम से बनाऊँ डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं, इधर बनाता हूँ मैं गेमर के नाम से। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो, ठीक है। तो गेमर के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, बना दी। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे गेमर 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 केरी, तो येरी गेमर के नाम से डायरेक्टरी, ऑलराइट, ठीक है, दिख रही होगी जहाँ तक है। तो अब क्या करता हूँ, अब इस वाली डायरेक्टरी को माउंट कर देता हूँ अपने पार्टीशन पे। पहले LSBL के चला देता हूँ, तुम सबको दिखा भी देता हूँ एक बार कि क्या है सीन यहाँ पे LSBL के। ये देखो 66K का पार्टीशन है, इस वाली डिस्क का ये पार्टीशन 1, ठीक है। तो अब इस पर मैं कर देता हूँ वो वाली डायरेक्टरी माउंट गेमर वाली, क्या कमांड है माउंट। अब पहले तुम्हें पाथ देना पड़ेगा, डेव XVDF1 पार्टीशन का मतलब तुम्हें माउंट पॉइंट देना है, तो माउंट पॉइंट तो यही हुआ क्योंकि इस पर माउंट करना, तो यही हुआ माउंट पॉइंट, ठीक है। माउंट पॉइंट के बाद अब क्या करना है, डायरेक्टरी का भी नाम डालना है, कौन सी डायरेक्टरी को माउंट करना है गेमर को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हो गई माउंट गेमर रॉन्ग FS टाइप बैड ऑप्शन है सुपर ब्लॉक, तो ये कोई एरर दे रहा है। एक काम करता हूँ माउंट -A करके देखते हैं एक बार। अब मैं इस कमांड को दोबारा चलाता हूँ LSBL के, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एक काम करता हूँ दोबारा से माउंट वाली कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ किसी कमांड के अंदर कोई दिक्कत आ रही है। F1 मिसिंग कोड पेज और सब चीज़ें ठीक हैं, XVDF1। तो इसके अंदर पता नहीं कोई दिक्कत आ रही है, किस चीज़ की दिक्कत है मेरे को अभी तक समझ नहीं आई। तो एक काम करना, तुम सबको बता रहा हूँ, तुम सब यही कमांड चलाना, जहाँ तक है चल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ऐसा अगर एरर आएगा तो इसको मैं रिजॉल्व करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो
यहाँ पे मेरे को पहली बार ये वाला एरर मिल रहा है, आज तक नहीं देखा ये वाला एरर। पिछली वीडियो में भी देखा होगा तुम सबने, कैसे कोई भी एरर नहीं आया था, लेकिन अब आ रहा है, जबकि पूरी कमांड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको रिजॉल्व कर दूंगा जहाँ तक है मैं। बाकी तुम्हें यू माउंट करना, अभी तो खैर कोई डायरेक्टली माउंट ही नहीं है, तो यू माउंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जो तुम्हें मैंने दिखाया, मेन पार्टीशन डिलीट करना और पार्टीशन को क्रिएट करना सही वैल्यू के साथ, प्लस लगाना मत भूलना, पार्टीशन का जब साइज दोगे उससे पहले प्लस लगा देना, उसके बाद ही अपना कमांड को चलाना। ऑलराइट, नहीं तो जहाँ तक सब चीज़ें ठीक चलेंगी, इसके अंदर कोई अभी दिक्कत आ रही है ये मेरे को भी नहीं पता क्या इसके अंदर आ रही है दिक्कत। तो मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।